हेलो एवरीवन, आई एम तेजस्विनी सिंह, इनोवेटर, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक ग्रीन्स एंड बोटानिकल नेचुरोपैथी। जैसे कि आज इस सिटी कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी एक विचारधारा रखने का मौका मिला है, जिसमें कि हम एक छोटा सा संदेश, जो कि महिला दिवस की बात हो रही है और मैं आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको मैं कहीं ना कहीं एक कमजोर जेंडर नहीं समझती हूँ शुरू से, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ ना तो मैं हर फैमिली में, हर घर में, सोसाइटी में, वर्क वाइज औरतों को हमेशा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके पुरुषों से पीछे ही लोगों को जज करते हुए देखती आई हूँ। तो अगर ये बात आती है कि आज मैं क्या अपनी बात रखना चाहती हूँ, तो जो इतने सालों में, इतने समय में मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो लर्न किया है वो ये है कि बिना औरतों की सपोर्ट के, बिना महिलाओं के इस पूरे विश्व का कल्याण नहीं संभव है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक बेहतर राष्ट्र की बात करें, एक बेहतर परिवार की बात करें, तो अगर महिलाओं को आप एक झटके में गायब कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसा सोसाइटी होती है। क्या सिर्फ पुरुष मिलकर एक समाज को चला सकते हैं, वंश को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस जेंडर की रिक्वायरमेंट है, और ये जो जेंडर है ये अपने आप में बहुत ही सशक्त जेंडर है, जिसको लोग बहुत ही कमजोर समझते हैं। और कई प्लेटफॉर्म्स पे महिलाओं की सशक्तिकरण की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब बात बड़े से बड़े बैनर की हो, कहूंगी एक छोटा सा जो एक टॉपिक है वो यही है कि महिलाओं को कमतर आंकने से पहले आप एक बार पूरी दुनिया से सिर्फ महिलाओं को गायब करके देख लीजिए कि क्या सिर्फ पुरुष मिलके समाज को चला सकते हैं। बहुत बड़ा जवाब होगा नहीं। तो इस नहीं का जवाब जो आपके पास में है, आप वुमेन्स की, औरतों की कदर करिए, उनकी इज्जत करिए, और सिर्फ कहने के लिए मत करिए, क्योंकि ये इक्वेशन पे, ये जेंडर मेल फीमेल का जेंडर इक्वेशन पे है। एक कोई भी जेंडर गायब होगा तो काम नहीं चलेगा समाज का, परिवार का, दुनिया का, सृष्टि का। तो आज जो सिटी कनेक्ट के माध्यम से मुझे इतनी सुंदर टॉपिक पे अपनी बात रखने का मौका दिया अनुराग बत्रा जी ने, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने मुझे सिटी कनेक्ट को, मैं बहुत अपने दिल के करीब मानती हूँ, क्योंकि जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रीन्स ने जब स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी, तो सिटी कनेक्ट के जरिए बड़े से बड़े न जाने कितने लोगों तक ऑर्गेनिक ग्रीन्स पहुंचा और बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते गए, और क्योंकि प्रोडक्ट में दम था तो वन बाय वन वो चलता चला गया। लेकिन जो एक बेस देने की बात होती है, जो एक प्लेटफॉर्म देने की बात होती है, उसके लिए मैं अनुराग बत्रा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और सिटी कनेक्ट जैसे ग्रुप में आप जरूर आइए, और ये यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं, एक अनुराग जी ने कमाल कर दिया, सिटी कनेक्ट के बाद एक नया धमाका करने की तैयारी में है, और इनका कंटेंट तो आप जानते ही हैं कि शानदार होता है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे आपने सिटी कनेक्ट को प्यार दिया, वैसे आप इनके यूट्यूब चैनल को भी प्यार दीजिए, और महिला दिवस पे, इस महिला दिवस पे जो मैं अपनी बात कहना चाहती थी, हमेशा कहती आई हूँ, वो बात मैंने आज फिर से रिपीट की है। तो प्लीज आप इस बात को कंसीडर करिए और जेंडर इक्वेशन पे रहिए, और हमेशा महिलाओं को कमजोर मत समझिए, ये समझिए कि इस जेंडर, ताकतवर नहीं समझना चाहते तो मत समझिए, बट कमजोर भी मत समझिए। तो आज के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अनुराग जी के नए प्रपोजल को, उसको सपोर्ट करिए, और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।